नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं इतिहास की अपनी सीरीज, जिसमें हमें डिस्कस करना था थर्ड चैप्टर, वैदिक काल। देखिए, वैदिक काल में सबसे पहला प्रश्न है कि आर्य शब्द क्या इंगित करता है। ये इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ये हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था। श्रेष्ठ वंश का मतलब क्या है? कुलीन होते हैं, साधु होते हैं, महाकुलीन, सभ्य, आदर, श्रेष्ठ, ये इन्होंने अपने लिए खुद ही गढ़ लिया था। कर्मयुक्त, कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि, उत्तम और सर्वत्र गंतव्य, मतलब हर जगह जा सकते हैं। ठीक है, इन्होंने ऐसी वर्ण व्यवस्था बना दी थी कि कुछ लोगों को कुएं का एक्सेस था, कुछ लोगों को नहीं था। तो उस हिसाब से मतलब ये थे कि सर्वत्र गंत आर्य जो होंगे वो सर्वत्र गंतव्य होंगे। पहला प्रश्न तो यही था, दिमाग में बैठा लीजिए, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है। आर्य शब्द वही प्रश्न दोबारा से पूछ किया गया है कि उत्तम व्यक्ति, उत्तम व्यक्ति का क्या मतलब है आर्य। देखिए, फिर से एक इसमें छोटा सा डेटा है, मेटा डेटा, कि सर्वप्रथम मैक्स मुलर ने 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया था। देखिए, मैक्स मुलर एक जर्मन विद्वान थे। इन्होंने आर्यों के बारे में शोध किया था, उनके ओरिजिन के बारे में भी बताया था। इन्होंने ये बताया था कि आर्य जो है मध्य एशिया से लेकर वेस्ट एशिया से आए हुए थे। ये आप ध्यान रखेंगे, मैक्स मुलर ने क्या बताया था कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए थे। आज मध्य एशिया में कौन कौन से देश हैं, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब जो देश हैं, कैस्पियन सी कह रहा हूँ, वो सब आते हैं। इस तरह की दो तीन थ्योरी और हैं कि आर्य कहाँ से आए थे। उनमें अगर इम्पोर्टेंट नाम देखेंगे तो एक बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने अपनी एक किताब है, उनकी बुक है आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस। उसमें ये कहा है कि आर्यंस जो है वो आर्कटिक से आए थे। आर्कटिक मीन्स कहा है नॉर्थ पोल के पास में, वहाँ से आए थे। और एक और विद्वान है स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, उन्होंने ये कहा था कि आर्य जो है वो तिब्बत से आए थे, तिब्बत के निवासी थे। कुछ और अगर देख लें तो जैसे एल डी कल्ला साहब हैं, उन्होंने कहा था कि आर्य हिमालयी कश्मीर से आए थे, मतलब कश्मीर, हिमालय का वो भाग जो कश्मीर में बसता है, वहाँ से वो आए हुए थे। मतलब मूलतः उनका ये कहना था कि वो डिसेंडेंट टू पर्वत से, मतलब पहाड़ से जमीन की तरफ चले थे। और पंडित गंगानाथ झा, इनका नाम बहुत आता है, इन्होंने ये बताया था कि आर्य ब्रह्मर से देश के निवासी थे। ब्रह्मर देश से क्या मतलब समझते हैं आप? आज भी गंगा और यमुना, ये जो दोआब क्षेत्र है, ये सर्वाधिक पवित्र ऋषियों की भूमि और तमाम तपोभूमि, तपोवन, ये सब माना जाता है। तो गंगा और यमुना के बीच का जो दोआब का क्षेत्र था, ये ब्रह्मर्षि देश कहा जाता था। ये थ्योरी किसने दी थी कि ब्रह्मर्षि देश के निवासी थे? गंगानाथ झा साहब ने दी थी, आप ये याद रखेंगे। और डॉक्टर संपूर्णानंद एक विद्वान हैं, और अविनाश, उन दोनों लोगों ने मिलकर के बताया था कि ये वहीं के मूल निवासी थे। आर्य जो है वो सैंधव सभ्यता, सप्त सैंधव जो प्रदेश है, वहीं के मूल निवासी थे। सप्त सैंधव प्रदेश में कुछ सप्त, इसको सात बोलते क्यों हैं, सप्त सैंधव क्यों बोलते हैं? तो अगर हम सप्त सैंधव से थोड़ा सा समझना चाहें, देखिए सप्त सैंधव का मतलब क्या है, यहाँ पर सात रिवर्स थी, सात रिवर्स अभी जिक्र चला है तो फटाफट इसको पढ़ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी नदी है? इंडस। इंडस किस लिए इंपॉर्टेंट है? इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली। वैसे अगर सांस्कृतिक रूप से देखेंगे या आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक या स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक रूप से देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण नदी आर्यों की, सबसे महत्वपूर्ण नदी आर्यों की कौन सी थी? सरस्वती नदी। किस याद से? आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी आर्यों की सरस्वती नदी थी। आर्थिक रूप से अथवा ओवरऑल सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी थी? इंडस यानी कि सिंधु, और इसका पौराणिक नाम भी इसमें सिंधु यानी कि इंडस ही बताया गया है। कुछ और रिवर्स हैं जिनका जिक्र कर लेते हैं, जैसे झेलम, आज की झेलम रिवर है। अब इसको कैसे याद करना है ये आप थोड़ा समझें। झेलम जो रिवर है उसको विस्तास्ता बोलते हैं। ऐसे आप याद कर सकते हैं कि झेलम का मतलब झेलना होता है, बी से विपदा होती है तो विस्तास्ता, झेलम झेलना पड़ रहा है तो विस्तास्ता, कन्फ्यूज होइएगा मैचमेकिंग में ही क्वेश्चन पूछेगा। फिर है अस्किनी, अस्किनी पौराणिक नाम जो ऋग्वेद में लिखा हुआ है। अस्किनी को क्या वर्तमान में? चिनाब। अब इसको कैसे याद रखना है? ना इसमें भी, ना अस्किनी में भी है, ना चिनाब में भी है। फिर है आप रावी, रावी पौरुषणी नदी। अब इसमें भी र, इसमें भी र,
आगे तो बहुत आसान है, सतुद्री, सतलज नदी, सतलज नदी इसको सतुद्री बोलते थे। और नेक्स्ट है आपका ब्यास नदी, ब्यास नदी, ब्यास नदी को ही विपाशा बोलते थे। सरस्वती नदी को नदीतुमा, अब जाहिर बात है मैंने इसको किया आध्यात्मिक रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सरस्वती नदी थी, तो उसको नदीतुमा भी बोलते थे। आगे बढ़ते हैं, इसमें अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद, सबसे बहुत आसान प्रश्न है, ऋग्वेद है, इसमें बहुत जाने की आवश्यकता ही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण वेद यही है। त्रि क्या नाम है? तीन वेद, पहले तीन वेद का ही नाम माना जाता था। तो एक और प्रश्न इसे वहां फिर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा वेद त्रयी में नहीं आ रहा है, तो आप याद कर लीजिए ऋ य स, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन्हीं वेद त्रयी अथवा त्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है, सबसे बाद में आया है, तो वेद त्रयी में अथर्ववेद नहीं आता है। आप याद रखें सबसे बाद में आया था, सबसे लंबा नाम अथर्ववेद का ही है, तो सबसे बाद में आया था, वो वेद त्रयी में नहीं आता। कुछ भी कर मतलब घुमा फिरा क्या रट लेना है। तो अगला प्रश्न है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? बहुत आसान प्रश्न है, ऋग्वेद, ऋग्वेद से ही वर्णक्रम आया है, वर्णानुक्रम। ऋग्वेद में स्रोतों का संकलन है, किस जो स्रोत है या ये श्रुतियां को क्या बोलते हैं? ऋचाएं, ऋचा, ये आप याद रखेंगे, इनको ऋचाएं बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें अगर बहुत ज्यादा डिटेल में आप जाएंगे, पांचवें प्रश्न यही, तो वह सब सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है, सारा कुछ लिखा हुआ मैंने आपको बताया। रंग के अर्थ, ऋग्वेद के वर्ण शब्द रंग के अर्थ में और कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयोग होता है। देखिए पहले जो वर्ण क्रम था वो व्यवसाय आधारित था, बाद में व्यवसाय जो वो पैतृक जाति आधारित हो गया, लेकिन पहले जो वर्ण था वो व्यवसाय आधारित था। आज वो गौर वर्ण दसों को कृष्ण कृष्ण का कहा जाता था। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त सिंपल साधारण सवाल है, ऋग्वेद आप सब पढ़ रखा होगा, ये सब बहुत आसान से सवाल है, गलत नहीं होना चाहिए परीक्षा में। फिर आगे बढ़ते हैं, मैं चेकिंग सम्मिलित करने के लिए प्रश्न आया हुआ है, संगीत औषधियां विधान विधि, बलिदान विधि जहाँ ही ई आपको दिख जाए, जैसे ही बलिदान विधि आपको दिखे आप क्या लगाएंगे? बताइए, यजुर् दिख लिखा हुआ, यजुर्वेद का मतलब यज्ञ से, आप कुछ भी करिए एक फॉर्मूला टाइप याद कर लीजिए, इनमें कर्मकांड, यज्ञ से यश, यजुर्वेद यश, यज्ञ, यज्ञ में कर्मकांड होता है और यज्ञ करते समय ही बलिदान दिया जाता है, कुछ ऐसा करके भाड़ा जरा रट लीजिए। अथर्वेद का औषधियों याद कर लीजिए, अथर्व से अथर्वेद से औषधियां, ईश्वर की महिमा, सबसे पहले यहाँ पर चाहे श्लोक लिखे गए थे, रिचाएं लिखी थी, वो ऐसे थोड़ी लिखे थे, ईश्वर की महिमा के लिखे गए, तो वो ऋग्वेद में चले जाएंगे। सामदेव का सबसे संगीत याद कर लीजिए, याद करना बहुत आसान है, एक बार पढ़ेंगे रटें और लिख कर याद कर लें तो याद जाएगा, और नहीं तो यही चल लगा लीजिए बराबर सुनते रहिए। फिर देखिए इसमें आ गया है संगीत में स्रोत, अभी हमने डिस्कस किया संगीत, इसमें आया सामदेव में, स्रोत एवं कर्मकांड, यजुर्वेद में आएगा स्रोत एवं कर्मकांड, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, स्रोत एवं प्रार्थनाएं, अभी हमने देखा स्रोत एवं प्रार्थनाएं मतलब स्तुतियां, किसमें है? ऋग्वेद में। अब बचता ही क्या है, क्या बचता है? औषधि बस, साम संगीत हो गया, यजुर्वेद आपका कर्मकांड हो गया, ऋग्वेद हो गया प्रार्थनाएं, बच गया अथर्ववेद, वही हो गया तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से। आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्तियाँ हैं, ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्तियाँ हैं। अभी हमने बात की ये चाहें क्या होती थी, सूक्त यानी श्लोक, यजुर्वेद में स्रोत, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। देखिए सामवेद के पद गेय रूप में है मतलब गाने लायक, आप याद रखिए सामवेद मतलब संगीत, संगीत है तो गाया ही जाएगा, इसको जो गाता था उसको उद्गारा उसका नाम है, ये आप याद रखेंगे, उद्गारा नाम है जिसको गाता था, सामवेद में जो संगीत का पद गाता था उसको उद्गारा कहते हैं। अथर्व हमने देख लिया, अथर्व मंत्र वशीकरण, अथर्व में एक और मिली क्या, औषधियाँ, तो आप ऐसे करके कुछ भी करके याद रखें। फिर से जादुई माया और वशीकरण, ये सब अथर्व में ही आ गया, ऋग्वेद में ऋचा 1028 आंसर उसने। फिर देखिए मैच मेकिंग में आ गया, ये क्या है, ब्राह्मण जो उसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं और मुख्य ग्रंथ मतलब वेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथों की बात हुई, ठीक है, तो हम ये याद रख लेते हैं, प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है इसको, ये वाला प्रश्न है, ऋग्वेद से ऐतरेय ब्राह्मण इससे संबंधित है, पंचवी सामवेद से है, गोपद अथर्ववेद से है और शतपथ यजुर्वेद से, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, लास्ट एमपीपीएस में शतपथ ब्राह्मण का पूछ लिया था, तो ऐतरेय ऋग्वेद से है, पंचवी सामवेद से है, गोपद अथर्ववेद से है, शतपथ यजुर्वेद से, याद करने का तरीका से गोपद मतलब गाय से संबंधित है, तो गाय क्या है, वहां से अगर औषधियों से रिलेट कर लें तो अथर्ववेद से, पंचवी सात शुरू होते हैं पंच मतलब यहाँ नंबर लग गया तो वो सामवेद संगीत से, ऐतरेय, ऐतरेय ऋग्वेद में भी ए लगा हुआ है, यहाँ भी ऐतरेय ए लगे हुए हैं, इससे कुछ भी पढ़ा जैसा बाकी याद कर लीजिए, शतपथ ब्राह्मण चार शब्द ये और बचा वही यजुर्वेद, गोप ब्राह्मण बहुत आसान आ गया, अथर्ववेद ब्राह्मण ग्रंथ का एक प्रश्न तो आना ही आना है, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी इनका ऋग्वेद संबंध है, तांडव का महाब्राह्मण खड़विंश यानी खड़विंश जैमी इनका सामवेद से है, शतपथ यजुर्वेद से और गोपद का अथर्ववेद से है, इसको याद रखेंगे, देखिए ये यूपी के आरओ एग्जाम में ये फेवरेट क्वेश्चन है ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में, आप याद रखिएगा,
ऐसा जरूरी नहीं कि ये चार में से ही आसान दे देगा, इतरे पंचवीं उपशतपथ इनमें से भी दे सकता है। कौशिक की, खड़विंश, जैमिनी, तांडव, ये पोर्शन है 12th वाला क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। सोम मतलब देवता, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, बिहार का क्वेश्चन है लेकिन यूपी में रिपीट होने की संभावना है, नौवें मंडल में सोम को समर्पित है, ठीक है। आगे बढ़ते देखिए प्रश्न है, ऋग्वेद संहिता का नौवां मंडल किसको समर्पित है, वही साल देखिए दोबारा उठाकर कर दिया गया, 97-95 दोनों लगातार प्रश्न एक ही पूछे गए हैं, यही प्रश्न उत्तर प्रदेश आयोग की भी है, जो प्रश्न 2014-15 में पूछे गए हैं उनकी रिपीट होने की संभावना अधिक है। आगे बढ़ते यज्ञ संबंधी विधानों का पता कैसे कहाँ चलता है, यज्ञ संबंधी विधानों का यज्ञ से यज्ञ, यज्ञ से यजुर्वेद, आसान रसल यजुर्वेद दो तरह के हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद आपके वाचस्पति संहिता बोलते हैं, शुक्ल यजुर्वेद को वाचस्पति संहिता बोलते हैं, आप ये याद रखेंगे, शुक्ल यजुर्वेद को वाचस्पति संहिता बोलते हैं। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है, एक दोनों लाइन आप याद रखेंगे, यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है, शुक्ल यजुर्वेद को वाचस्पति संहिता कहते हैं। प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, सामदेव। सामदेव में अब इसमें ये डिटेल बिल्कुल सॉरी इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसमें कितने छंद हैं, आप ये याद रखेंगे कि किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, वो आंसर है सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अब इसकी तीन मुख्य शाखाएं, ये प्रश्न भी बहुत डीप में अगर यूपी से जाना चाहेगा तो अगर प्रश्न पूछ लिया इनमें से सामवेद की कौन सी मुख्य शाखा नहीं है, तो आप सामवेद की तीन मुख्य शाखाएं लिख लेंगे अपने पास, बार रिवाइज करेंगे, मोती, प्राणायनी और जैमिनी। जैमिनी वाला भी हमने डिस्कस किया था पहले। देखिए लौह धातु के प्रश्न के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से है, अतरंजी खेड़ा, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, अतरंजी खेड़ा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। यही डिसाइड होता है कि ऋग्वेद और बाकी के वैदिक कालों, मतलब ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल, वैदिक का दो तरह का है। देखिए अगर हम समझना चाहें थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं, देखिए वैदिक काल या वैदिक सिविलाइजेशन इसको दो भाग में बांटते हैं, तो ऋग्वेद ऋग्वेद और दूसरा उत्तर वैदिक काल, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री लाइन है वो क्या है, वो है आपकी ये है आपका 1000 BC से 620 तक, और ये है 1500 से 1000 BC का। ऋग्वेदिक जो आ रहे थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, आप ये याद रखेंगे, लौह अयस्क इनसे ये परिचित नहीं थे, लोहा मूल रूप में ही पाया जाता है, लौह अयस्क के रूप में पाया जाता है, अयस्क मतलब ओर, आप सुनते होंगे न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे आयरन ओर, आयरन ओर क्या है, लौह अयस्क। लौह अयस्क का सबसे पहली बार जिक्र ये आया है अथर्ववेद में, अथर्ववेद, अब अथर्ववेद से बिलोंग करता है उत्तर वैदिक से, उत्तर वैदिक में आप तीन आ जाएंगे, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यहाँ पर जिक्र है लोहे का, ऋग्वेदिक लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे के प्राचीनतम प्रमाण कब में है, अतरंजी ख्या से, यानी कि ये 1000 BC का काल है, यहीं से आपका लौह काल मतलब आयरन का एज माना जाएगा, ठीक है। जगह आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का एटा जिला है, अतरंजी खेड़ा जग का नाम, इसको अथर्ववेद में बोला गया है श्याम अयस्क या कृष्ण का ही मतलब ब्लैक का ही एक होता है किरण आयस्क, ठीक। आगे बढ़ते हैं देखिए फिर है उपनिषद क्या, कौन सी पुस्तक है, उपनिषद दर्शन है, फिलोसफी पर पूछ गई, ये प्रश्न दो तीन बार पूछा गया है उत्तर प्रदेश में भी और अभी उत्तराखंड में भी परीक्षा हुई थी वहां पर पूछा गया है। उपनिषद कौन सी पुस्तक है, दर्शन फिलोसफी पर पूछेंगे। ऐसा घुमा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय दर्शन का मूल स्रोत क्या है, वो है उपनिषद, ठीक है। उपनिषदों का मुख्य सबसे आसान प्रश्न लोअर हो या अपर हो फेवरेट क्वेश्चन है, क्वेश्चन घुमा भी पूछा जा सकता है कि भारतीय दर्शन का मूल स्रोत क्या है, उपनिषद। प्रश्न पूछा गया है मोक्ष की चर्चा किसमें मिलती है, उपनिषद में, फिलोसफिकल चीज है जाहिर सी बात है, मोक्ष है फिलोसफिकल चीज है, आप किसी देखा थोड़ी है कि इसको मोक्ष प्राप्त करते हुए, लेकिन फिलोसफिकल चीज है ना कि मोक्ष कैसे मिलेगा, अच्छे कर्म करेंगे तो मिलेगा, तो वो फिलोसफिकल चीज कहाँ मिलेगी, उपनिषदों में। वेदों में क्या है, वेदों की ऋचाएं हैं मंत्र है, वहां पर मोक्ष की चर्चा नहीं है। श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार यह शब्द आया है, ये प्रश्न आता है याद रखिएगा, श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है मोक्ष की चर्चा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद से प्राप्त होता है, कठोपनिषद से, आप याद रखेंगे कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है, यजुर्वेद के दो पाठ हैं शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, कठोपनिषद किस में, कृष्ण यजुर्वेद में। उपनिषद का एक और महत्वपूर्ण चीज भारत सरकार के टाइलाइन में लिखा जाता है सत्यमेव जयते कहां से लिखा गया, मुंडकोपनिषद। देखिए कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है, ये प्रश्न आप याद रखेंगे,
कठोपनिषद में यमो नचिकेत का संवाद है। यम मतलब यमराज, नचिकेता और यमराज का संवाद किसमें है? कठोपनिषद में। नचिकेता आख्यान से आसान प्रश्न पूछ लिया गया, यह है आप कठोपनिषद। आगे बढ़ते हैं, उपनिषद के प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अशोकपति कहाँ शासक थे? ये बहुत पुराना प्रश्न है, अब दोबारा इस तरह का प्रश्न रिपीट होगा इसकी संभावना बहुत कम है, क्यों 1999 का प्रश्न है, उस समय बहुत डीप में जीएस पूछा जाता था। अभी मैं ये मान के चलता हूँ 30 प्रश्न, अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं जीएस में हिस्ट्री के, उसमें तीन चार क्वेश्चन होते हैं ऐसे जो किसी के बचे नहीं रह रहे हैं, मतलब बहुत ही जो इतिहास का स्कॉलर होगा उसी वही हल कर पाएगा। तो हमारा फोकस उस पर ना होकर के जो नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन है उन पे रहना चाहिए, कि माइनस मार्किंग है और तो हमें एडवांटेज यहाँ पे माइनस मार्किंग का तभी मिलेगा जब नॉर्मल क्वेश्चन अपना सही करके आएंगे। देखिए ये प्रश्न बहुत टफ है, उपनिषद काल के राजा अशोकपति कहाँ जा सकते हैं? प्रश्न एज एज ए क्वेश्चन इसको याद कर लिए, बहुत आपकी किस्मत अच्छी होगी एज इट ये पूछा जाए तो ठीक है, नहीं तो अब बहुत ज़्यादा कहाँ जा सकते थे वो उपनिषद काल का पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ। विदेह राजा थे जनक, पांचाल के प्रवाहण जाबाली, क्या के अशुपति और काशी आजा शत्रु। अब ये याद कर सकते हैं, काशी बराबर चर्चा में रहता है तो काशी के राजा आजाद शत्रु थे। वैदिक साहित्य सबसे सही क्रम क्या है? वैदिक संहिताएं ब्राह्मण अरण्यक और उपनिषद। आसान सा प्रश्न है, इसको तीन चार बार बोलेंगे, संहिताएं ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद। उपनिषद सबसे वाक्य हैं, ये फिलोसफिकल चीज है। आंबिक वैदिक साहित्य सर्वाधिक वर्णित कौन सी नदी है? सिंधु नदी। हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि इसका 25 बार वर्णन आया है सिंधु नदी। इसको आर्थिक महत्व के कारण हिरण्य कहा गया है, हमने भी डिस्कस किया कि इकोनॉमिकली ओवरऑल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी नदी थी? सिंधु नदी। और कल्चरल नदी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी थी? वो सरस्वती नदी। सरस्वती को नदी नुमा कहा गया, नियम सबसे उत्तम। और सिंधु नदी को उसके गिरने की जगह परावत अर्थात अरब सागर। प्रश्न ऐसे पूछता है कि वैदिक सभ्यता में वैदिक काल में परावत क्या था? अरब सागर था, ये याद रखिए, परावत मतलब अरब सागर। ये प्रश्न पूछ सकता है, नया प्रश्न बनाने चक्कर। अस्किनी नदी हमने डिस्कस किया, ना इसमें भी है और ना चेनाब भी है। अस्किनी चेनाब ना इसमें है ना इसमें है, तो अस्किनी चेनाब नदी से पहचान की गई। आगे बढ़ते हैं, देखिए अफगान ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्थिक संबंध का सूचक है? ये कुभा और कुरुम। इनका पहले नाम क्या है? कुभा आज के समय विभ्रंश होकर काबुल हो गई है, कुरुम आपकी खुर्रम या कुरुम खुर्रम इस नदी को बोलते हैं। वैसे तो चार नदियों का जिक्र आया है, स्वात आज की जो स्वात वैली है पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो बाउंड्री लगी है स्वात वैली, वहाँ सुवालु नदी पहले बहती थी वैदिक काल। सुवालु यानी स्वात, गोमल यानी गोम आज भी गोमल नदी बह रही है, गोमती उसका पौराणिक नाम था गोमल गोमती, खुर्रम नदी क्रम उसका नाम था काबुल यानी कुभा। ये प्रश्न आप याद रखेंगे, ये दोबारा रिपीट होने की संभावना है। वहाँ का स्थान कहाँ होना चाहिए? अफगानिस्तान। बड़ा आसान सा सवाल था। फिर वही प्रश्न पूछ लिया गया मैच मेकिंग में, देखिए बड़ा आसान सा है, सदानजा नदी। सदानजा नदी से क्या मतलब है ये बाद में देख लेते हैं कि लास्ट में कौन सा ऑप्शन बचता है। कुभा अभी हमने डिस्कस किया, काबुल, परुष्णी, परुष्णी नदी कौन सी रहेगी? रवि, र इसमें भी है र इसमें भी है। सतुद्री यानी सतलज, सतुद्री बोलते हैं सतुद्री भी बोलते हैं, सतुद्री मतलब सतलज, परुष्णी मतलब रावी, कुभा मतलब काबुल। बचता क्या है? गडक नदी, इसको सदानी नदी बोलते थे, ये आप याद रखिएगा, गंडक नदी को सदनीरा नदी बोलते थे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुर्थ वेद उत्तर काल में प्रचलित हुई? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, सन्यास आश्रम। ये आईएएस का ही प्रश्न है, आईएएस में जो प्रश्न 1994 में पूछा था, नॉर्मली यूपी में पीसीएस 95-96 पूछ लेता है। आईएएस के प्रश्नों पर थोड़ी कठिन होती है, वही को समझने वाली प्रीत होती है। तो ये तो बड़ा आसान सवाल है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, सन्यास आश्रम, बहुत आसान सा प्रश्न है, इसको बहुत डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। ये याद रखेंगे आश्रम व्यवस्था का प्रचलन वेदोत्तर काल में, वेदों के बाद वाले काल में हुआ था। फिर आईएएस 2011 का एक प्रश्न है, धर्म और भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं, ठीक है। हिंदी निकलता आईएएस लिखे जाती जल्दी समझ में नहीं आता प्रश्न ही, धर्म व्यक्ति के दायित्व और संग दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य के संकल्प बना था। ये बहुत गूढ़ प्रश्न है, अब ये कहाँ से उठाया गया है इसको सिर्फ जानना ही जानता है। आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन में होता इनको वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। ये क्वेश्चन है कि किस देवता को नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था? वो थे वरुण देवता। आपको बढ़िया से इसके दिमाग में बैठ लीजिए, किस देवता को नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था? वरुण देवता थे, इसी कारण उन्हें ऋत से गोपा भी कहा जाता है। ऋत से गोपा किसा जाता है? वरुण देवता को, वरुण देवता के लिए नैतिक व्यवस्था के लिए। अब ये इतनी दूर तक आप छोड़ दीजिए, ये समाज में भी नहीं आएगा और टाइम खाएगा, खाली इतना याद रखिए वरुण देवता को नैतिक व्यवस्था प्रधान माना जाता था और ऋत से गोपा कहा जाता था। देखिए किस किसे पुरोहित माना गया वैदिक देवताओं में? बृहस्पति को। ये तो बड़ा आसान है, सब लोग पढ़ लेंगे सुबह, बृहस्पति जी को ही वैदिक देवता पुरोहित माना जाता है। कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसे कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपा मुद्रा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उत्तर प्रदेश में पूछने की संभावना फिर से है। कई विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है वैदिक साहित्य में, सबका नाम रटने की जरूरत नहीं है। अपाला, भूषा, विशु, वारा, लोपा मुद्रा, बहुत
अगर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछना होगा आपको, तो ऐसे पूछ लेगा अपाला घोरा विश्वसरा विश्वारा लोपा मुद्रा कौन थी, तो इस आप लिखिएगा कि विदुषी स्त्रियां थी, वैदिक सत्य में इनका जिक्र है। देखिए ऋग्वेद काल में निष्क शब्द का प्रयोग, निष्क जहाँ भी है इसका तुरंत लगा दिए, ऐसे तो इसका मतलब सोना होता है, ठीक है, गोल्ड, नींद वाला सोना ही, गोल्ड को ही निष्क कहा जाता है। उसका जो प्रयोग हुआ है ऋग्वेद काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, बाद के काल में उसका किस अर्थ में प्रयोग होने लगा, सिक्के के रूप में। ये बड़ा अच्छा सवाल था, निष्क शब्द का प्रयोग पहले आभूषण के लिए, ऋग्वेद काल में आभूषण मतलब सोने से क्या हाजी तो बनाया जाएगा, बाद में उसका सिक्का बनने लगा वैदिक काल में, सोने के सिक्के सबसे पहले और सर्वाधिक किसने चला थे, ये मध्य काल वाले चैप्टर में चलेंगे तो देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद काल में निष्क किस रंग का आभूषण था, आप समझ जाएंगे बड़ा किस अंग का आभूषण था, देखिए हार, सोने निष्क क्या बता था, सोने का हार, तो हार कहाँ पर पहना जाएगा, गले, आसान प्रश्न है। देखिए ये ध्यान रखिएगा कि निष्क ऋग्वेदिक काल में निष्क जो है वो गले में पहना जाने वाला सोने का हार था, गोल्ड का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निशाका, निशाका क्या स्वर्ण आभूषण, वही प्रश्न घुमा फिरा करके यूपीएससी 12/2005 में पूछ लेगा, 2007 मेंस पूछ लेगा, निष्क या निशाका क्या स्वर्ण आभूषण है, ठीक है। तीन बौद्ध बुद्धिस्ट जो जाता है उनमें तीन प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिला है, पहला है निशाका, दूसरा है सुवर्ण और तीसरा है मसाका। मसाका मूल्य में सबसे छोटा मतलब सबसे कम वैल्यू मसाका की थी, और सब निशाका सबसे उच्च हाइएस्ट वैल्यू किसी थी निशाका की, मीडियम में सुवर्ण था और लास्ट में मसाका। आगे बढ़ते हैं, बुगाज कोई, ये अभिलेख है, बुगाज कोई अभिलेख लिए है, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का नाम उल्लेख मिला है, आप ये प्रश्न याद कर लेंगे, बार बार पूछा जाता है बुगाज कोई अभिलेख। बुगाज कोई कहाँ पे है, एशिया माइनर यानी टर्की, टर्की कहाँ पे है, एशिया और यूरोप के बीच की कड़ी है, इसलिए उसको एशिया माइनर बोलते हैं। यहाँ पर बुगाज कोई अभिलेख है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, यहाँ से वैदिक देवताओं और देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। अभी हमने बात की थी कि किस विद्वान ने बताया था कि मध्य एशिया और एशिया से कनेक्शन हो सकता है आर्यों का, वो है मैकबूलर, जर्मन विद्वान। कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों को सूच देता है, वह बोगाज कोई, बोगाज कोई कहाँ पे है, एशिया माइनर यानी टर्की। किसने आर्य के देश के बारे में बताया था, आर्कटिक होमा फ्रेंस में बाल गंगाधर तिलक ने बताया था कि आर्य कहाँ से आए थे, आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। जिस ग्रंथ पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है, शतपथ ब्राह्मण, यूपी में 2008 में प्रश्न पूछा गया, इस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वो है शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है, यजुर्वेद प्राचीन इतिहास के आधार रूप में ऋग्वेद पर शतपथ ब्राह्मण का ही स्थान है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, शतपथ ब्राह्मण ने उल्लेखित विदित माधव की कथा, ये किससे, ऋषि गौतम रुगण। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको आपको रट लेना, इनमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, राजा विदित माधव से संबंधित कौन से ऋषि थे, गौतम, गौतम खाली याद रखेंगे, पूरा नाम याद नहीं रखेंगे तब चलेगा, गौतम ऋषि राजा विदित माधव से संबंधित थे, किस ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है, शतपथ ब्राह्मण। फिर देखेंगे उत्तर वैदिक काल में किन को आर्य संस्कृति का दूर समझा जाता है, अंग और मगध को, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए भी अंग और मगध को आर्य संस्कृति की धुरी माना जाता है, कौन सी भाषा बोलते हैं, प्राकृत भाषा, ये लोग आर्यन कल्चर के प्रभाव से बाहर थे, इसलिए उत्तर वैदिक काल अपोस्ट वैदिक चल रहा है हमारे पास, जहाँ पे महाजनपदों के अंग और मगध क्या महाजनपद, देखिए अंग जो महाजनपद थे वो टाउन टाउन से उनका रिलेशन है, और आर्य संस्कृति क्या थी, ग्रामीण संस्कृति थी। अथर्ववेद में मगध और अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है, ये आप याद रखिएगा, किस ग्रंथ में मगध और अंग दोनों को दूर प्रदेश कहा गया है, अथर्ववेद कहा गया। गो शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ, ऋग्वेद में हुआ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गो का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ है, ऋग्वेद में, इसका मतलब है गोष्ठ, ये कहाँ से इसका मूल क्या है, जो समूचा कुल है गाय पालन करता था, तो उस गाय की मतलब गाय ही गोत्र शब्द वहाँ पर प्रचलित हुआ है, आप याद रखेंगे ऋग्वेद से प्रचलित हुआ, ऋग्वेद गाय को धन्य कहा गया। पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म क्या था, प्रकृति पूजा और यज्ञ, पहले धर्म थोड़ी था कोई, ये प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। फिर आगे बढ़ते देखिए, वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, आप ये सेंटेंस एकदम दिमाग में याद रख लेंगे, भक्ति का उदय मौर्योत्तर काल हुआ है और वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। ऋग्वेद काल में जनता निम्नलिखित में से किसमें विश्वास करती थी, बलि एवं कर्मकांड, किसमें है, यजुर्वेद में लिखा हुआ बलि और कर्मकांड, याद कर रखें, यह यजुर्वेद, यह यज्ञ, यज्ञ में कर्मकांड और यज्ञ में ही बलि। सरस्वती नदी का नाम है। आगे बढ़े हैं, ऋग्वेदिक आदि के पंचन से क्या संबंधित नहीं है, प्रश्न पूछा है कि हमारा फोकस क्या रहना चाहिए, इनमें से क्या इसमें संबंधित है, पंचजन यदु दुर्वस और पूर्व, पंचजन ये पंचजन पूरे आपको याद रखना है, इससे प्रश्न पूछा जाता है, यदु दुर्वस पूर्व अनु दुर्वस, एक दिमाग बैठा रहे तो
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसमें आप याद कर लेंगे कि कर टाइप जैसा कुछ नहीं था, ठीक है। वैदिक काल के पंचन से संबंधित कौन सा नाम नहीं है, तो आपको याद रखना है कौन सा पंचन में आता है, यदु ध्रुव है पुरु अनु तुरस। आर्यों के जीव को उपार्जन का प्रमुख साधन क्या था, शिकार। ये देखिए नोमाडिक हर्डर्स थे, यानी कि खानवदोश, शिकार करते थे वहीं रहते थे, शिकार करते शिकार खत्म हुआ वो उठे दूसरी जगह चले गए, इस तरह अस्थायी जीवन ही होता है। यानी कि स्थायी जीवन जब तक आपके पास नहीं रहेगा, जगह से खेत करके वो घर आएंगे ना रहने के लिए, तो इनकी कृषि से इनका कोई महत्व था नहीं, ऋग्वेद के बाद ही कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। देखिए ऐसे लोहे का शिकार ही हुआ था, सबसे पहले तो आपको हल के बनाने के लिए लोहे की आवश्यकता पड़ी ना, चांदी का तो हल राजा ना कहीं रहा होगा, सोने का हल। हमने डिस्कस किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में कि मिट्टी के का हल प्राप्त हुआ है, मिट्टी का हल कहाँ प्राप्त हुआ है ये आप खुद रिवाइज करेंगे, से ऐसी चीज आएंगी आपके दिमाग में कौन सी रिवाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ऋग्वेद में उल्लिखित यह शब्द किस कृषि पाद प्रयुक्त किया गया है, जौ का। देखिए यौ ये कृषि ऐसा कुछ खेती नहीं करते थे, जो की जो एक जंगली घास मान मतलब जंगली उत्पाद था, उसका यौ शब्द यौ शब्द जौ के लिए प्रयोग होता था ऋग्वेद में। अधिक जो प्रचलित लोकप्रिय कौन सी शासन प्रणाली थी, वंश परंपरागत राजतंत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है बार, वैदिक काल में जो शासन प्रणाली थी वो कैसी थी, वंश परंपरागत राजतंत्र, एक कुल जो था कुनबा वो उसका डिसेंडेंट मतलब जो वंशानुगत था, ठीक है। जनता द्वारा चुनाव उदाहरण मिला है, लेकिन जन रुचि राज परिवार के लोगों तक ही जान पाती है, ठीक है। जनता द्वारा जो आप मान सकते हैं वर्तमान में कांग्रेस का शासन है। वैदिक युग की सभा कैसी थी, मंत्रिपरिषद थी। ये छोटे छोटे प्रश्न है, दिमाग में बैठे रहेंगे तो प्रश्न गलत नहीं होगा आगे बढ़ के। फिर आगे चलते हैं, वैदिक काल में देखिए सभा समिति का जिक्र है, आप दिमाग में बैठा लीजिए, सभा है जैसे सभा क्या विद्वत जनों का एक समागम होता था, जहाँ मूल से विद्वान या उच्च कुल उत्पन्न व्यक्ति ही भाग लेते थे। और समिति क्या होती थी, समिति होती थी आपकी जहाँ पर सभी लोग जमा हो सकते, सर्व आधार की, आज का आप समझ लीजिए समिति कोई भी कमेटी बैठती है तो सबसे राय लेती है, वहां आप दिमाग बैठा लीजिए कि समिति सर्वसाधारण थी। और सभा क्या होती है, जहाँ पर विशिष्ट लोग ही जा रहे थे। प्रजापति की पुत्रियां कहा गया सभा समिति को, किसने, अथर्ववेद में। अथर्ववेद और इसलिए जाना जाता था आयुर्वेद जादू टोना, सभा और समिति अथर्ववेद में कहा गया कि सभा और समिति प्रजापति यानी कि ब्रह्मा की दो पुत्रियां, आयुर्वेद और जीवन का विज्ञान अथर्ववेद, अभी हमने डिस्कस किया अथर्ववेद आयुर्वेद, यही रोग निवारण समन्वय राजभक्ति विवाह अपनाए गीत माद के विवरण सूचित मिलते हैं, यही अंधविश्वास जादू टोना सब अथर्ववेद में, अगर आपको जादू में विश्वास है अथर्ववेद पढ़े। ऋग्वेद धर्म था बहुदेववादी, बहुत से देवताओं का जिक्र है ऋग्वेद में, ऋग्वेद में बहुत से देवताओं का जिक्र है, इंद्र वरुण ठीक है मित्र सूर्य उषा अश्विन विष्णु सबका इतना सारा जिक्र है। अंतरिक्ष देवता इंद्र पर्जन्य आप रुद्र मत और पृथ्वी के देवता अग्नि बृहस्पति सोम, प्रश्न बहुत अच्छा यहाँ से उठ सकता है, इनमें कौन से देवता आकाश के देवता है, ये आकाश के देवता नहीं है, तो वरुण पुष्ण मित्र सूर्य विष्णु अश्विन उषा ये आकाश के देवता, अंतरिक्ष इंद्र पर्जन्य आप रुद्र मरुत, ये आप नो लाइन लिख के अपनी कॉपी पर याद करें दो तीन बार तो आपको बढ़िया से याद जाएगा, यहाँ से पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है, इनसे कौन देवता पृथ्वी के देवता नहीं है, तो जो को याद रहेगा जैसे अग्नि बृहस्पति सोम ये तीनों पृथ्वी पर ही है, अभी बृहस्पति बृहस्पतिवार को मनाया था, सोम सोमवार को अग्नि आग पृथ्वी पर है, तो आप मान लीजिए तीनों पृथ्वी पर। देखिए सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किसको समर्पित है, इंद्र को। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किसको समर्पित है, इंद्र को। बहुत आसान प्रश्न है, इंद्र का ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ऋग्वेद में दिया गया है, सर्वाधिक प्राप्ति देवता के रूप में इनका उल्लेख है, सबसे ज्यादा सूक्त इन्हीं समर्पित है, इंद्र को ही। बहुत आसान सा प्रश्न मिल जाता है, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा सूक्त किसको समर्पित है, इंद्र को। इंद्र को किन चीजों का देवता माना गया है, युद्ध का, वर्षा, आंधी, तूफान, आप एकदम ध्यान में रखिए, युद्ध का, वर्षा, आंधी, तूफान मतलब नॉर्मली क्लाइमेटोलॉजिकल देवता थे और युद्ध के भी देवता थे। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं अग्नि, इनको दो सूक्त समर्पित है, इंद्र के बाद इसका महत्व है अग्नि का, तीसरे नंबर पर इसका महत्व है वरुण का, इनको समुद्र का और रीत का नियामक, वरुण का ही अभी हमने नाम सुना था, इसलिए माना जाता है, बताइए जल्दी, समुद्र का देवता रीत का नियामक तो लिखा ही है। तीसरा कमेंट कीजिए, मैं भी भूलिया, ईरान में वरुण को अहुर मजदा या यूनान में ओरनोस के नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, अहुर मजदा किसको कहा जाता है, वरुण को, या ओनोज किसको कहा जाता है, वरुण को, देश नहीं पूछ रहा कि ईरान और यूनान, बल्कि पूछ लिया अहुर मजदा किसको, वरुण को और ओनोज भी वरुण को। सर्वाधिक संख्या मंत्र से संबंधित है ऋग्वेद में, इंद्र से। नंबर सेकंड पे कौन आते हैं, अग्नि। देखिए इस प्रश्न में कहीं भी इंद्र का जिक्र नहीं था, नंबर दो का जिक्र था अग्नि का, तो ऐसे भी प्रश्न यूपी से पूछ लेता है उल्टा उल्टा। नंबर तीसरे पे वरुण आते हैं, युद्ध के देवता कौन है, इंद्र। सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस नाम से जाना जाता है, ब्राह्मण युग से, ये तो बस याद करने फैक्टर टाइप क्वेश्चन है, 800 से 600 ईसा पूर्व ब्राह्मण के उसके अंदर जाना जाता है। देखिए इसमें कुछ छोटी छोटी बातें, सातवीं आठवीं शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी तक का हमें सूत्रकाल कहा जाता है, ये आप याद रखिए, सूत्रकाल का मतलब क्या है,
छठी शताब्दी से लेकर के 20वीं शताब्दी ईसापूर्व। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है, 1500 साल इसके रचयिता विश्वामित्र हैं। किसको समर्पित है गायत्री मंत्र? सूर्य देवता है सविता को। किस मंडल में? तृतीय मंडल में। यहाँ से दो तीन प्रश्न होता है, ऋग्वेद में उल्लिखित गायत्री मंत्र किस मंडल में? तृतीय मंडल में। चैतन्य में विश्वामित्र किसको समर्पित है? सूर्य देवता। फिर वही प्रश्न बार बार रिपीट हुआ, ऋग्वेद संबंधित रचयिता पूछा है, किसमें उल्लिखित है? पूछा विश्वामित्र चैतन्य है और ऋग्वेद में उल्लिखित है तृतीय मंडल में। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनमंत्र और वंशानुचर संकेत किस संकेत? पुराणों के। देखिए 2015 का ही प्रश्न है, दोबारा जो हुआ पेपर ऑफ होने के बाद इतना क्लिष्ट प्रश्न पूछ लिया उन्होंने, उसी में आगे सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनमंत्र वंशान ठीक है, ये किसमें संकेत है? इसके पुराणों के। ऐसे तुक्का लगाने में दिमाग में आए तो ये भी लग सकते हैं कि ये सब जो शब्द है ना पौराणिक शब्द ही लग रहे हैं, लेकिन वो बेकार एक तुक्का होगा मेरे हिसाब से। इस तरह का प्रश्न दोबारा पूछाने की संभावना नहीं है, और उत्ती भी आपको नहीं आता चारों से कोई ऑप्शन तो आप प्रश्न को स्किप कर देंगे, छोड़ दें। पुराणों संख्या 18 है, आसान प्रश्न है। अब सभी पुराणों का नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस ये रखें पुराणों के रचयिता लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रस्वाद, और ये सब चीजें उल्लंघन में पहले पन्ने पर लिखी। पुराणों की रचना किसने की थी? लोमहर्ष में और उग्रस्वाद ने। इनकी संख्या 18 है। आगे बढ़ते हैं, श्रीमद भागवत मौलिक रूप से किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत। आसान प्रश्न है, श्रीमद भागवत महाभारत जो महाग्रंथ है उसका ही एक भाग है। महाभारत किस मूल के रूप में जानी जाती है? जय संहिता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से पूछा जाएगा। जय संहिता किसको कहता है? महाभारत। प्रारंभिक समय में 2800 श्लोक थे, बाद में 1 लाख श्लोक मिले हैं इसे। इसको सहस्री संहिता, सहस्री मैंने 1000, सब मैंने 100, 100 गुणा करें 1000 तो 1 लाख हो जाए, 1 लाख श्लोक। इसी को महाभारत कहते हैं, सत सहस्री संहिता अथवा जय संहिता। किस अपने रसि के रूप में स्वयं प्रस्तुत किया था? पौराणिक कथा में वर्णन है, उत्तराखंड में पूछा गया है। समुद्र मंथन में जो अजगर या सांप जो भी था उसकी पूंछ और सिर पकड़ करके मंथन चल रहा था तो वासुकी, यह सर्प था, वासुकी नाग था। ठीक है, ये पौराणिक कथा के प्रश्न पूछा जा सकता है, ये भी प्रश्न पूछा सकता है। विष्णु ने मद्राच पर्वत को कब अपने ऊपर कब रखा था? कूर्मा अवतार में। कूर्मा अवतार देखिए जावाल का था किस उपनिषद में है? छांदोग्य उपनिषद में है। ये आप याद रखेंगे, इसमें बिन्ही माँ को जो बिन्ही माँ चुनौतियाँ फेस करती है उसका जिक्र है। सत्यकाम जावाल की कथा है छांदोग्य उपनिषद में। ये प्रश्न है पूछा गया, आप याद रखिएगा, फिर से पूछाने की संभावना है। अछूत की अवधारणा किसमें स्पष्ट रूप से उदित हुई है? धर्मशास्त्र के समय में। आसान प्रश्न पूछा जाएगा, अछूत की अवधारणा किसमें उदित हुई है? धर्मशास्त्र में। ये प्रश्न इस बार पूछे जाने की संभावना अधिक है। सत्यमेव जयते, देखिए सत्यमेव जयते ने डिस्कस किया, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडको ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। ये भारत का प्राचीन जो मौर्य सम्राट अशोक का तारनाथ में सिंह स्तंभ है उसके नीचे लिखा गया है ये कि सत्यमेव जयते। भारत सरकार का चिन्ह 26 जून 1950 को अपनाया गया है। ये प्रश्न पूछा सकता है, पोटेंशियल क्वेश्चन है कि भारत सरकार का राजी चिन्ह मनाया जिस दिन संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। अधिकतर संविधान कब लागू हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। आगे देते हैं सत्यमेव, फिर वही प्रश्न पूछा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया है? मुंडक उपनिषद में। ये प्रश्न कई बार आईएसपी बार बार पूछ लिया जाता है, आप सबका ये प्रश्न सही हो जाएगा। ऋग्वेद मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। 1028 ऋचा है इसमें, 2 ब्राह्मण ग्रंथ है इसके, इतरेय और कौशिकी। बार बार हमको ये चीज पढ़ना ही पढ़ना है, एक बार फिर रिवाइज करेंगे तो रिविजन 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 ही करना है आपको। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद किस शाखाएं हैं? ये प्रश्न नहीं पूछे जा पूछे आपका इतरेय कौशिकी, यही ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें पुरोहित को होता कहते हैं ऋग्वेद में, ऋग्वेद में रोहित को क्या कहते हैं? होता। वंश मंडल को कहते हैं ऋग्वेद में, सेकंड से सेवन द्वितीय सप्तम मंडल था उसको वंश मंडल कहते हैं, और प्रथम और दशम मंडल अर्वचीन। ये याद रखेंगे, प्राचीन का उल्टा क्या होता है? अर्वचीन। प्राचीन मतलब पुराना, अर्वचीन मतलब उसका नया, फर्स्ट और सेकंड लास्ट जो था प्रथम और दशम मंडल अर्वाचीन है। वैदिक कर्मकांड में होता संबंध से ऋग्वेद से आसान प्रश्न है, अविस्ता और ऋग्वेद में समानता क्या है? अविस्ता क्या है? ईरान। अभी हमने अहुरमजा और जैन अवेस्ता इन सब जिक्र किया था, अहुरमजा वर्ण के लिए यूज हुआ है, जैन अवेस्ता ये ईरानी ईरान से संबंधित है। जी अवेस्ता लेकर के जैन अवेस्ता लिख दे अभी आप समझिएगा ईरान संबंधित है। अघन्या किसको कहा गया है? गाय को। अभी ये प्रश्न यूपी विशेष 2017 में भी पूछा गया है, अघन्या वैदिक काल में अघन्या किसको कहा गया है? गाय को। फिर एक प्रश्न देखते हैं, अघन्या मतलब क्या? न मारे जाने योग्य, गाय की हत्या नहीं करनी चाहिए, ये ऐसा ऋग्वेद में कहा गया है। प्रश्न की ये 2010 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया है अग्नि वाला प्रश्न। इसे महत्वपूर्ण मूल्यवान समझ समझाता है गाय को। गाय के लिए लड़ाई खूब होती थी ऋग्वेद में, वैदिक सभ्यता में मुख्य लड़ाई गाय के लिए होती थी क्योंकि संपत्ति था। बार्टर सिस्टम जो होता है मतलब कि जैसे बार्टर सिस्टम क्या होता है, जब मुद्रा नहीं प्रचलित थी तब बार्टर सिस्टम प्रचलित था। जैसे मैं सब्जी उगाऊँ और आप गेहूँ या उगाइए तो आप हमको सब्जी बदले में थोड़ा सा गेहूँ दे दीजिए, मैं आपको सब्जी दे दूँ, बार्टर सिस्टम है। मुद्रा इन्वॉल्व नहीं होती, मनी इन्वॉल्व नहीं होती है, तो
ये विनिमय, वस्तु विनिमय किसका प्रयोग होता था? गाय। जैसे कोई जो गाय किसी को जव की आवश्यकता है तो 10 गाय देकर के एक बहुत जव लेगा, ठीक है। अघैया इसलिए गाय को बुलाया था। युद्ध किसके लिए लड़ा जाता था? गायों के लिए। प्राचीन भारतीय समाज के प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों से कौन सा शब्द श्रेष्ठ के वर्ग का नहीं है? कुल, वंश, गोत्र तो एक ही चीज है। बहुत आसान सा प्रश्न है। कोष उससे संबंधित नहीं हो सकता है। कोष क्या है? कोष तो मतलब भंडार, जैसे मनी वहाँ पे रख सकते हैं और जहाँ अनाज रख सकते हैं वो कोष होता है कलेक्ट करके। संस्कार ने खोडा संस्कार कहे जाते हैं। 16 संस्कार, खोडा संस्कार आप याद रखेंगे, 16 संस्कार। 8 प्रकार के विवाह हैं और 16 प्रकार के संस्कार हैं। मरने पर ही आदमी 15 संस्कार पूरे हो जाते हैं जीवन में और अंतिम संस्कार मरने पर होता है। गौतम धर्म सूत्र के अनुसार संस्कारों की संख्या 48 है, आप याद रखेंगे। गौतम धर्म सूत्र में संस्कारों की संख्या 48 है। ये इसमें से अगर आप चाहते हैं, मतलब जैसे हर बार आप मनुष्य के पैदा होने से पहले उसका पहला संस्कार गर्भ में शुरू हो जाता है। फिर छोटा मोटा जैसे अन्नप्राशन, अन्न वो खाया, निष्कर्मण जब धूप दिखाया जाता है, नाम पर उसका नाम होगा अन्नप्राशन, अन्नप्राशन जब खाना खाएगा पहली बार अन्न खाएगा, चूड़ा कर चूड़ा कर उसका जब बाल काटा जाता है, कर्ण वे काने बाली पहनाई जाती है, विद्या पढ़ने ले जाए, उपनयन नेव होगा, वेदारंभ। विद्यारंभ और वेदारंभ में क्या अंतर? विद्यारंभ घर पर कर सकता है, वेदारंभ गुरु के यहाँ हुआ था। शांत में क्या होता? पूरा बाल उसको साफ कर दिया जाता, केश अंत हो जाता था, तो सिरमुंडवा दिया जाता था। समापवर्तन संस्कार जिसमें गुरु को नहला करके वापस भेजा था, फिर घर उसका विवाह होता था और शादी के बाद ही लास्ट का संस्कार होकर अंत्येष्टि होता था। जीव को अर्जन है, वेद वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या बोलते थे? उपाध्याय। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर पूछा सकता है। उपाध्याय क्या कहते थे? ये वेद वेदांग तो सब बहुत से लोग पढ़ते थे, लेकिन ये लोग पढ़ाते थे तो उसके बदले में युको के लिए कुछ लेते थे। आचार्य गुरुकुल स्थापित करके शिष्यों को पढ़ाता था, लेकिन कोई फी नहीं लेता था। शिष्यों द्वारा दी दक्षिणा स्वीकार कर लेता था। फीस और दक्षिणा में क्या अंतर है? जो अंतर दहेज लेने और दहेज मांगने में है, आशा आप समझ होंगे। अगर वैदिक काल में वैदिक के अवसर पर वैदिक मंत्रों को उच्चारण करता था कि पुरोहित करके कर्मकांडों का संपादन करना। प्रश्न पूछ लेगा कर्मकांडों का संपादन कराना किसका था? पुरोहित का। उपाध्याय कौन थे? जो जी को उपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाते थे। और गुरुकुल में फीस नहीं चलती थी, लेकिन जो दान लिया दान होता था वो लिया जाता था। दक्षिणा दक्षिणा स्वीकार करते थे गुरु। उपाध्याय वेद वेदांग पढ़ाने वाले। आज के इतना ही, अगले चैप्टर के साथ जल्दी हाजिर होंगे। धन्यवाद।